काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, देश विदेश से लोग अपनी श्रद्धा और आस्था लेकर काशी आते हैं और साथ ही उस महाप्रसाद को भी ग्रहण करते हैं। बाबा विश्वनाथ के भक्तों के लिए एक अनोखी पहल के तहत अमूल कंपनी द्वारा बिल पत्र के तंदूल महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा अर्पित बिल्व पत्रों को एकत्र कर उन्हें शुद्धिकरण की प्रक्रिया से गुजारा जाता है। इसके बाद इन बल्ब पत्रों का उपयोग महाप्रसाद के निर्माण में किया जाता है। अमूल कंपनी इस महाप्रसाद की तैयारी में शुद्ध सामग्री का प्रयोग करती है, जिसमें भक्तों को पूरी तरह से शुद्ध और सात्विक प्रसाद प्राप्त हो सके। अमूल के विशेषज्ञों द्वारा प्रसाद तैयार करने की पूरी प्रक्रिया अत्यधिक स्वच्छ और धार्मिक शुचिता के साथ संचालित की जाती है। बिल पत्रों का महत्व धार्मिक दृष्टिकोण से विशेष होता है और बाबा विश्वनाथ को अर्पित इन पत्रों का महाप्रसाद में प्रयोग इसे और भी पवित्र बना देता है। यह प्रक्रिया मंदिर प्रशासन की देखरेख में की जा रही है ताकि प्रसाद की शुद्धता और पवित्रता सुनिश्चित की जा सके। इसे पहले भक्तों को अत्याधुनिक लाभ मिल रहा है और साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर की धार्मिक परंपराओं का संरक्षण भी हो रहा है। अमूल की यह पहल श्रद्धालुओं के बीच अत्यधिक सराहनीय साबित हो रही है। आइए जानते हैं मंदिर के CEO विश्वभूषण मिश्र ने इस बारे में क्या कहा। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इस समय वितरित हो रहा है उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी, उसमें कई इशूज आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूंकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें CCTV मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके, ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही 2100 करोड़ रुपए का खर्च होने का वह अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं जिनमें सनातन धर्मी ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लाइज का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे जहां पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके। तो इन सब चीज़ों को जहां पर हम लागू कर सकते थे इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा और मंदिर निर्माण इकाई बनाएगी और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुष्कता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिसर में जो भी प्रसाद इस समय वितरित हो रहा है उसमें मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यह अवगत कराना चाहेंगे कि पहले जो प्रसाद बिकता था वो शहर में बिकने वाली मिठाई थी जो प्रसाद के रूप में यहाँ बिकती थी, उसमें कई इशूज आ गए थे। उदाहरण के लिए अभी जो कुछ मंदिरों के बारे में आपने सुना होगा कंट्रोवर्सीज थी प्रसाद की शुद्धता को लेकर, शुचिता को लेकर, पवित्रता को लेकर, उसमें सामग्री को लेकर। तो इसके चलते श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने यह संकल्प किया, यह निर्णय लिया कि प्रसाद अब स्वयं निर्माण कराया जाएगा। और चूंकि मंदिर के पास अपनी कोई फैसिलिटी नहीं निर्माण करवाने की और एक जो शुद्ध फैसिलिटी होती है जिसमें CCTV मॉनिटरिंग के अंतर्गत और सारे मानकों को पूरा करते हुए अत्याधुनिक तरीके से
प्रसाद अथवा कोई खाद्य सामग्री अथवा मिष्ठान का निर्माण किया जा सके। ऐसी एक फैसिलिटी का निर्माण करने में ही कई 100 करोड़ रुपए का खर्च होने का वह एक अनुमान था। तो वाराणसी में इस तरह की सबसे अच्छी जो फैसिलिटी हो सकती थी उसकी तलाश की गई। तो बनास डेयरी नामक एक सहकारी क्षेत्र का संस्थान है जिसमें काशी के, उत्तर प्रदेश के भी जो दुग्ध उत्पादक और कृषक हैं वो सम्मिलित हैं, उनकी सहभागिता है। सहकारिता का जो मानक होता है, मॉडल होता है, उसके अंतर्गत उसी संस्थान का जो यहाँ पर जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है वो सबसे अत्याधुनिक पाई गई, जहाँ पूरी मॉनिटरिंग के साथ और जो श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के नियम हैं जिनमें सनातन धर्म ही प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया में लग सकते हैं, इस तरह का बैकग्राउंड चेक एम्प्लाइज का करते हुए हम इंश्योर कर सकते थे। जहाँ पूजा के लिए एक मंदिर स्थापित करके प्रतिदिन पूजा पाठ के बाद सनातन दृष्टि से ही कार्य किया जा सके, तो इन सब चीज़ों को जहाँ पर हम लागू कर सकते थे इस प्रकार की फैसिलिटी के चयन में बनास डेयरी का जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट था उसको उपयुक्त पाया गया। तो उस फूड प्रोसेसिंग यूनिट का प्रयोग करते हुए मंदिर अब अपने प्रसाद का निर्माण स्वयं करवा रहा है और मंदिर स्थित काउंटर से उन प्रसाद को विक्रय किया जा रहा है। इस प्रकार से जो प्रसाद निर्माण की प्रक्रिया होती है, जाहिर सी बात है जब मास स्केल पर कहीं मिठाई बनती है तो उसका रेट अलग होगा, और जब केवल प्रसाद बनेगा उसका स्केल भी कम होगा, वो सीमित मात्रा में बनेगा और मंदिर निर्माण इकाई बनाएगी और उसमें जो कंपोनेंट प्रयोग किए जा रहे हैं वो श्री विश्वेश्वर को अर्पित बेलपत्र जो है उनका चूर्ण बनाकर 0.07% का उनका एक कंपोनेंट है। प्रत्येक लड्डू में कम से कम इतना प्रतिशत बेलपत्र, बिल्वपत्र जो शैव मत में बहुत ही शुद्ध माना गया है, पवित्र माना गया है और वो विश्वेश्वर को अर्पित भी है, वह उसमें सम्मिलित है। तो इस नाते उसकी शुद्धता और शुष्कता को बनाए रखते हुए उसका जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, जिसको बनाने की जो लागत आती है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है, परंतु उसके बाद भी वह सीमा के अंतर ही है। 120 रुपये का 200 ग्राम का पैकेट मिल रहा है और जो भक्तगण हैं उनके द्वारा बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, लोग इसको पसंद कर रहे हैं, लोग तारीफ़ कर रहे हैं कि वास्तव में विशिष्ट रूप से मिठाई खाने में और प्रसाद खाने में अंतर होना चाहिए। तो जो हमने अपना फीडबैक लिया अपने श्रद्धालुओं से, श्रद्धालुओं ने भी इसकी प्रशंसा की है, तो विश्वेश्वर प्रसन्न है, श्रद्धालु प्रसन्न है और मंदिर न्यास अपनी तरफ से पूरी तरह से शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ सनातन गरिमा को स्थापित करते हुए और शास्त्रीय परंपरा का निर्वहन करते हुए यह प्रसाद उपलब्ध करवाने में अपने आप को गर्व का अनुभूति करता है और इसका निश्चित रूप से आगे इसको और ज़्यादा हम संवर्धित करने के लिए और भी इस तरह के सनातन नवाचार करने के लिए प्रतिसंकल्पित हैं।